अभी सम्राट जी ने पगड़ी उतार दी। बोले इंसान परिस्थितियों का दास होता है, यहाँ तो भगवान को भी बनवास होता है। यादव बोल रहे हैं कि अब तो बिना नीतीश को उतारे ही बोलेंगे, वो हमारी चालीसा थोड़े पड़ेंगे। यहाँ पर बिहार से आए हुए हैं कई नेता, पूर्व मंत्री विनय बिहारी जी हैं, क्या कहिएगा विनय जी? बस पावन धरती पे आगमन हुआ है हम सभी का, और हम सभी एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आए और भगवान राम का दर्शन करेंगे, सौभाग्य प्राप्त होगा या इस नगरी में। तेजस्वी राजद बोल रही है यहाँ की पूरा पगड़ी हम लोग उतार दिए बिना नीतीश कुमार को गद्दी से उतारे हुए ही, पूरा वहाँ मजाक बना रही है। अच्छा, अयोध्या विपक्ष का काम ही है। मैं तो एक ही लाइन जानता हूँ कि इंसान परिस्थितियों का दास होता है, यहाँ तो भगवान को भी बनवास होता है। तो परिस्थितियाँ अपने हिसाब से चलती, किसी इंसान के हिसाब से नहीं चलती। चलिए देख रहे होंगे सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से अभी यहाँ पर उनका पगड़ी उतारा जाना है और यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं। जरा एक बार बातचीत करते हैं कि क्या बोलते हैं। तो अभी सम्राट चौधरी ने पगड़ी उतार दी है सरयू के तट पर, और यहाँ पर अब यहाँ से पटना के लिए रवाना हूँ, और देख रहे होंगे। हाँ चलो सम्राट जी कुछ बोलिएगा। अभी कुछ जय श्री राम, जय श्री राम। देख रहे होंगे कई सारे लोग, अभी भाजपा के लोग जोश में हैं। सम्राट चौधरी ने सरयू में पगड़ी उतारी है और ये लोग बिहार से सैकड़ों की संख्या में अयोध्या आए हैं। तो हटाना था सम्राट जी को, तो जब हट गए तो संकल्प पूरा हो गया। तेजस्वी यादव धरती पर आ गए, नीतीश कुमार जी अब बड़े भाई के रूप में बिहार चला रहे हैं। यही संकल्प था सम्राट चौधरी जी का, अब ये अयोध्या की धरती पर ये राजद, राजद मानने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रही है कि अधूरा रह गया संकल्प। नहीं नहीं, संकल्प पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब सवाल उठता है कि पागलखाना के लोगों की जवाबदेही भारत को, जिसका सेंस खत्म हो गया, इस राज के नेता को अश्लोक पढ़ने नहीं आ रहा है, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, ये सब दुर्भाग्य की सोच है सर। भाजपा कहाँ से हैं? अभी अयोध्या में लोग वाला देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जनता जवाब दे दी अयोध्या में, अभी भाजपा को हरा। हमने अपने आदर्श का परिचय दिया कि हम सबके हैं, अगर जीत हो जाती तो आपके लोग कहते कि भगवान तो केवल भाजपा के हैं। भाजपा ने कहा कि भगवान सबके हैं, अयोध्या पूरा विश्वावे अपना कल्याण करावे। यह जीत भगवान के सर्वधर्म सम्मान और समाज की पहचान की प्रतीक। चलिए देख रहे होंगे यहाँ पर अभी सम्राट चौधरी आएंगे और मीडिया को पगड़ी उतर। बिहार के भाजपा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उतर गया वहां, राजद बोल रहे हैं। संकल्प था राजद के बोलने से, कांग्रेस से बोलने से, सीपीआई से, विकास के लिए इनका संकल्प था। इनकी मां मरी थी पगड़ी, जब बिहार का विकास होगा, जंगल राज खत्म होगा, पगड़ी यही अयोध्या। आपका पगड़ी कायम है, राजद पगड़ी तो हमेशा कायम। सम्राट जी अधूरा को आप श्री राम के चरणों में सवार तो सदैव कायम रहेगा। चलिए अभी अयोध्या में आए थे और जो नेता थे भाजपा के भी कई नेता थे, उन लोगों से भी अभी हम बातचीत कर रहे थे। बाकी सम्राट चौधरी क्या कुछ, वो तमाम बातें सुनेंगे। अभी सरयू के घाट पर हैं, यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आने वाले हैं और यहाँ पर अभी बाल कटवाएंगे, मन्नत था। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद बताए थे कि यहीं आकर वह अपना पगड़ी भी उतारेंगे और बाल कटवाएंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे कई भाजपा के नेता हैं और कई लोग आए हुए हैं बिहार से यही अयोध्या में, और अभी यहाँ के बाद दर्शन करेंगे राम मंदिर का। और अभी भाजपा नेताओं से हम जानते हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए हमारे माननीय अध्यक्ष सम्राट जी का संकल्प पूरा हुआ। उनका संकल्प था कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये पगड़ी उतारेंगे,
और ये संकल्प अक्षरशः पूरा हुआ। महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और बिहार में फिर से सुशासन की सरकार स्थापित हुई, एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोग उत्साहित हैं और संकल्प पूरा होने के लिए उनके उपलक्ष्य में और एक पुत्र धर्म निभाने के उपलक्ष्य में वो आज यहाँ पर आए हैं और सरयू घाट से यहाँ पर स्नान कर राम मंदिर को दर्शन को हम लोग जाएंगे जी। चलिए, मगर अब हम बिहार की बातें बिहार में छोड़ देते हैं, अयोध्या की बातों पर जरा हम पूछते हैं। एक और नेताजी हैं, कैसे हैं भाई साहब? फर्स्ट क्लास, भगवान भगवान की नगरी में आके सब चंगा है। पूरा बिहार के लोग आके यहाँ अयोध्या में दम छा। हाँ, निश्चित तौर पर अयोध्या जो है एक प्राचीन ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो निश्चित तौर पर लोग आ रहे हैं और यहाँ पे अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है कि जिस प्रकार से हम मंदिर के इश्यूज़ को लेकर के आज वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होता है तो देश के सभी लोग इस बात से मुतमईन होते हैं कि अब इस विषय पे कोई झगड़ा नहीं होने वाला, अब इस विषय पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला, सारे कन्फ्लिक्ट को समाप्त कर दिया गया और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जिनकी आस्था है, जिनका प्रेम है, जिनका स्नेह है, वो सब यहाँ प्रकट करने आ रहे हैं। अच्छा, हम अब आएंगे लोकसभा वाला चुनाव पर। अभी हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा इतनी चीज़ों के बाद भी राम मंदिर और इसी तमाम चीज़ों के बाद भी अयोध्या में भाजपा चुनाव हार जाती है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हमने तो कभी भी जो है राम मंदिर के विषय को राजनीतिक तौर पर या चुनावी तौर पर नहीं देखा है। हम इस बात पे सोचते भी नहीं हैं कि राम मंदिर का निर्माण या राम मंदिर का जो विषय था वो चुनावी विषय है, वो राजनीतिक। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये विषय था क्योंकि हमारे आस्था का केंद्र है और हमारे आस्था से जुड़ा हुआ विषय था, इसलिए हम इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर थे और आज हमारे नेतृत्व में, हमारी सरकार के नेतृत्व में इस विषय का जो है पूरी बेहतरीन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो है समापन हुआ है। तो लेकिन चुनाव से लेकर नहीं, देखिए चुनाव जो होता है अलग अलग मुद्दे पर होता है, लोकल मुद्दे पर होता है, कैंडिडेट के ऊपर होता है, विचारधाराओं के ऊपर होता है, डेवलपमेंट के ऊपर होता है। तो निश्चित तौर पर अगर हम यहाँ से लोकसभा सीट आ रहे हैं तो उसका कोई राम मंदिर के विषय से कोई लेना देना नहीं है। क्या राय है, इधर आ जाएंगे, क्या बोलिएगा, क्या पूछना चाह रहे हैं? अयोध्या वाला, अयोध्या चुनाव आप लोग लूज कर गए हैं। सबसे पहले तो अयोध्या में जो अयोध्या विधानसभा है यहाँ पर लूज नहीं किए हैं, जो नगर है यहाँ पर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे थे विपक्ष के लोग और वही जो कह रहे थे यहाँ घर वही देखिए डेवलपमेंट होगा तो चौड़ीकरण करने के लिए सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, आप कहीं भी किसी भी शहर नगर का विकास जब होगा तो उसका मुआवजा मिलता है, तोड़वा के किसी को उसका हक नहीं छीना गया। चौड़ीकरण जब होगा, आप मॉडलाइज कीजिएगा, उसको तोड़वाना पड़ता है, उसका मुआवजा मिलता है, ये प्रावधान है। और दूसरी बात कि यहाँ जो अभी बोले अखिलेश यादव जी कि अयोध्या के राजा अवधेश जी हैं, इनको ये सद्बुद्धि नहीं भगवान, पहले मंदिर नहीं है, पूजा भी करते हैं, उनकी पत्नी जो है डिंपल यादव वो आके पूजा करने आई, दूसरे लोग विपक्षी बोलते हैं तरह तरह की बात, राम के नहीं हुए किसी काम के नहीं है, जो राम के नहीं है किसी काम के नहीं है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जो राम के नहीं हुए किसी काम के नहीं, जिनको प्रभु श्री राम में आस्था नहीं। आप लोग राम के हैं, अयोध्या वाले राम को बनाने वाले को एकदम हरा दिए? नहीं, हरा नहीं दीजिए, आप देख सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारा इतिहास राजा प्रभु श्री राम का अभिषेक हुआ था और माँ सीता जब आई थी वापस तो यहाँ के समाज ने उस समय भी माँ सीता ने समाज से पूछा कि हमारे बारे में समाज क्या बोलते हैं, तो इस बात को नहीं बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, माँ सीता और राम के लिए भी यहाँ के समाज लोगों ने दूसरी नज़रिया से देखा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है, हम लोगों ने काम किया, हम लोगों का विकास एजेंडा है, संकल्प है, विकसित भारत बनाना, विकसित अयोध्या बनाना, विकसित सब तो दिन भर चलता, मगर सम्राट जी का यहाँ पगड़ी उतर गया, बाल कटने वाला कट मतलब तेजस्वी वहाँ पूरा राजा देखिए, पगड़ी जो समर्पित करने आए और हमारा लक्ष्य जो था हमारे सम्राट जी का, नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं, सत्ता से तो आए, महागठबंधन से तो आए, जनता दल यूनाइटेड और हमारे साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, तो हम लोग साथ हैं, तो पगड़ी तो इसीलिए समर्पित करने आए प्रभु राम को, तो हम लोग RJD से महागठबंधन, हाँ सत्ता बदल के महागठबंधन से हम लोग भाजपा में ले आए, NDA में ले आए, गोल गोल हमको बताइए कब तक बताइए। जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो माने थे जंगल राज जो बिहार में था, फिर से साथ में जंगल राज के साथ चले गए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसके लिए संकल्प लिए कि वो जंगल राज से मुक्ति कराने करवा कर NDA में लाए, काम सफल हुआ। चलिए, देख रहे होंगे और भी लोग हैं, क्या कहिएगा भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश से हैं? मैं हरियाणा से। आप हरियाणा से? हाँ जी। घूमने आए हैं? नहीं नहीं, चौधरी जी के लिए। अच्छा, सम्राट चौधरी जी के लिए। चलिए, तो और भी हम चीज़ें बातें सुनाते रहेंगे, लाते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।